नमस्कार, आपका छोटी बकबक विद करण राजदान में स्वागत है, क्योंकि इसमें आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे बकबक के। आप इन्हें एंजॉय करिए और नीचे बायो में लिंक दिया गया है पूरे पॉडकास्ट का, तो उसके थ्रू आप पूरा पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। तब तक एंजॉय छोटी बकबक विद करण राजदान। और मैं तहकीकात में नया नया डायरेक्टर बना था, शेखर कपूर चला गया पायलट करने के बाद, तो मुझे समय नहीं मिलता था। एडिटिंग में जाओ, फिर उसके बाद लोकेशन देखो, तो लोकेशन देखने के लिए कहानी होनी चाहिए, तो एक वन लाइन तो लिख लेता था। उसके बाद सेट पे मैं गोल्डी साहब और सौरभ शुक्ला को कहता था, ये सिचुएशन है, आप ऐसा बोल दो, आप ऐसा बोल दो, आप ऐसा बोल दो। तो गोल्डी साहब तो सीनियर, तो ज्वेल थीफ गाइड वगैरह वगैरह, तो मुझे कहते थे अगर मैं ये बोलूँ तो, मैंने कहा 100% बोल दो। सौरभ तू क्या बोलेगा इसके जवाब में? हाँ चलो। अरे पंकज शूट यार, वो क्या कमाल एपिसोड है, बात कर रहे हैं। आपको मालूम नहीं, शायद शाहरुख ने जिंदगी शुरुआत मेरे साथ की है। अच्छा। आई प्लेड हिज फादर और हम लोगों ने की थी दिल दरिया घर की एक सीरियल की। हाँ। वो पहला सीरियल था फौजी बात में। सही सही। तो मतलब शाहरुख मेरे लिए एक बच्चे की तरह से है, अभी भी है। अभी उसका बड़प्पन है कि मतलब वो उस तरीके की रेस्पेक्ट देता है। तो वो बताना क्या चाह रहा था दिल दरिया। हाँ। लेख जी क्या करते थे, जब लिख के आए ना सीन। हाँ। आप पढ़ो यार, अब ये किया, अच्छा तू क्या बोला, तूने ये किया, अच्छा तूने किया, अच्छा भाई ये बोल दिया, अरे इसने तो ये बोल दिया, फिर उसने ये बोल दिया, अरे यार यार ये क्या सीन हुआ, सीन फाड़ देते थे, सीन फाड़ देते थे। हाँ भाई चलो करो, अरे क्या बोलना है, तो मालूम क्या क्या बोलना है। मतलब वो जो एग्जैक्ट लाइन थी वो आपसे उन्होंने डिलीट कर दी। डिलीट कर दी, अब तू खुद बना लो लाइन। मतलब तो पता पड़ गया तुझे, जो तुझे क्या है सीन का। हाँ। तो जब तुझे खुद बोलेगा तो वो करेक्ट होगी। हाँ। वो जिंदा होगी, वो जिंदा होगी। ये मुर्दा डायलॉग्स बोल के कुछ अचीव नहीं होता कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए होता है एक हर सीन का एक म्यूजिक होता है, बहुत से लोग उसको कहते हैं मूड। हाँ। मैं उसको मूड नहीं कहता, मेरा मेरे अपने सोचने का तरीका है। मैं मानना है कि एक म्यूजिक होता है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो एक म्यूजिक बनता है आपकी किसी एक लाइन से। हाँ। हो सकता है अगले 5-7 मिनट का एक म्यूजिक अलग हो जाए। हाँ, हाँ। है ना, अभी मैं बात कर रहा हूँ तो उसका कुछ एक म्यूजिक अलग है। तो आपको हमेशा सीन को समझने से पहले, सीन को जब आप पढ़ते हैं तो आपको सीन का म्यूजिक समझना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ सुर समझ जाओ। हाँ, वही म्यूजिक ही। आपने वो, आपको वो पता लग गया कि हो क्या रहा है, तो एक बार अंदर बॉडी में कुछ अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो आप पूरे सीन के दौरान सच्चे रहते हैं, सच्चे रहते हैं, जिंदा रहते हैं। दैट्स अ अलाइव सीन, व्हाट वी कॉल। अब उसमें गंदगी आपका डायरेक्टर और एडिटर फैलाना चाहे वो अलग है। वो उनकी अपनी अलग कहानी है। डायरेक्टर का डायरेक्टर और एडिटर से नहीं, नहीं मैं सच कह रहा हूँ आप नहीं, क्योंकि एडिटर्स कई बार परफॉर्मेंस को खराब, अच्छे खासे परफॉर्मेंस को खराब कर देते हैं। आप एक बड़े एक्टर ने जो किया है आप उसको एडिट करके दिखा दो। हाँ। आप नहीं कर सकते हो। हाँ। एक करेक्टर आर्टिस्ट छोटे एक्टर की लाइन को आप कभी भी कर सकते। हाँ, वो कर सकते हो। बिल्कुल। ओके नमस्कार, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक। यस, इफ यू लाइक दिस एपिसोड और फिर वीरू वाला एपिसोड तो लाइक करना ही करना है, ये धमकी है। चलिए अच्छी बात है, ये धमका भी दिया गया है तो प्लीज देख लीजिएगा। ओके नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।